Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाजरीन, Unchi Awaz India में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। शायर ने कहा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। शायर इस शेर के पस मंजर में क्या कहना चाहता है वो अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन 11 अगस्त 2020 की वो काली रात को शायद कोई फरामोश नहीं कर पाएगा, जहां एक खबीस ने शाने रिसालत में गुस्ताखी करते हुए लाखों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी। जी हां, शहर के डीजे हल्ली और केजी हल्ली के उन वाकयात को फरामोश नहीं किया जा सकता, जहां मिल्लत के गुयूर नौजवानों ने रिसालते माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी को बर्दाश्त न करते हुए सड़कों पर निकल आए और अपने ईमानी जज्बे का इजहार किया। लेकिन उसी की आड़ में बाज नामालूम ताकतों ने पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ मचाई और कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की, और उसकी पादाश में उस वक्त की बीजेपी सरकार ने अपनी मुस्लिम दुश्मनी का सबूत देते हुए कई नौजवानों को जेल की कालकोठरी के पीछे ढकेल दिया। कर्नाटक के इंतखाबी मौसम में सियासी पाखंडियों के अलावा मजहबी लुबादा ओढ़े अफराद ने वादा किया कि कांग्रेस सरकार के क्याम के एक महीने में उन मजलूमों की फरियाद रसी होगी और उनकी रिहाई के फैसले होंगे। मगर अफसोस कि गिरफ्तारी के 4 साल बीत जाने के बावजूद आज तक इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मीलादुन्नबी के पुर मुसर्रत मौके पर मिल्लत की पर्दा नशीन खवातीन और बागीरत खवातीन को मंजर पर आना पड़ा और अपने घर के अहवाल को मिल्लत इस्लामिया के उन अफराद तक पहुंचाना पड़ा जो जुलूसों में मोहब्बत रसूल के बड़े बड़े दावेदार थे। काश के अरबाब इख्तदार अपने बुलंदोबांग दावे या मिल्लत की हमदर्दी का झूठा ढोंग रचाने के बजाय उन मजलूमीन के घरों तक पहुंचते और उनके घरों का हाल दरियाफ्त करते और उनसे पूछा जाता कि उनके चूल्हे जल रहे हैं या नहीं, या कैद में 4 सालों से बंद उन मासूमीन की रिहाई के मुतालिक कुछ इकदामात अपनाते। अलगरज आज फिर एक मरतबा वो दर्द छलका और मिल्लत की बाहया खवातीन को हजारों के मजमे के रोबरू अपने दर्द को जाहिर करना पड़ा। रियासती वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मोहतरम शाफे सादी के रूबरू खवातीन ने अपना दर्द जाहिर किया। चलिए जानते हैं तफसील इस खुसूसी रिपोर्ट में। एक मासूम को भी सजा नहीं होना करके हमारा हिंदुस्तान का ये हिस्ट्री है, इसलिए इंशाल्लाह हमें जरूर होम मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब से हमारा जमीर साहब का थ्रू से इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। 1.5 साल में ये लग सके नहीं सरकार को आज तक क्या एकदम आप लोगों को मालूम है डीजीएलई इश्यू होने के टाइम में वो कोर्ट चेयरमैन था, तभी मैं बीजेपी को हुकूमत से बात किया था, आरगर ज्ञानेंद्र होम मिनिस्टर थे उनको भी बात किया था। उसके बाद हमारा जितना प्रोग्राम हो रहे जितना हमारा मेमोरेंडम दे रहे हर एक मेमोरेंडम में हिजाब इश्यू रंद है और रिजर्वेशन का इश्यू रंद है, हम हर एक इश्यू में भी हमें डीजीएलई के जीएलई इशू उठाते हैं। लेकिन तो उठा आप मुझे जैसे उठा के फायदा क्या हो रहा है? अब तक के मासूम लोग अभी जेल में है, इसलिए इंशाअल्लाह बहुत स्ट्रांगली मैं जमीर साहब से बात करके होम मिनिस्टर और सीएम से मिला के इनको इंसाफ देने इंसाफ दिलाने का कोर्ट की तरफ से क्या फैसला होगा होगा, लेकिन इनके घरों तक पहुंचने के लिए आपके नुमाइंदों ने क्या किया? वही बता रहा हूँ मैं, घरों तक पहुँच कर कोर्ट में भी
मैं हमारा लीडर से बात करके इंशाल्लाह ये उनका कोर्ट को जो जो उनको कानून का लड़ाई को इनको हमें सपोर्ट करना, उसमें भी हमें सपोर्ट करना है कोर्ट में मामला कोर्ट तक कोई ये रहेगा। सेकेंड वन इनका घर का प्रॉब्लम क्या है वो भी इंशाल्लाह मैं सोचा अब तक हमारा लीडर लोग जाके उनका प्रॉब्लम सब सोल्व करे करके, लेकिन तो मुझे अफसोस का बात ये है, बहुत अफसोस हो रहा है साल होते भी अब तक ये लोग अभी रो रहे आके रो रहे हमारा बच्चे जेल में। आप भी होम कोर्ट के चेयरमैन जो है भाई के चेयरमैन कभी दौरा करने का मौका मिला? वो डीजीएलई और केजीएलई का इश्यू होने के लिए मैं दौरा किया था और पूरे लीडर्स भी थे, अभी सोचे पूरे लीडर्स मिलके उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा करके इंशाल्लाह हमें ईमानदारी से इंशाल्लाह हमें उनका सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पेरोल बेल को ही और एक जने को किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है अंदर के खाने पीने से माहौल बराबर नहीं है, उन आती वापस करो क्या उम्मीद हम ना नौजवान बच्चों को अंदर छोड़ को माँ बाप यहाँ लंगड़े लाचार होकर फिर रही, हमें किसका नहीं जाना क्या पूछना हम ना इंसाफ। वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन है, उन्होंने वादा किया है कि इस मामले को उठाएंगे और एमएलए से हम ना सख्त नाराज है। नहीं नहीं, एमएलए को मैं स्टेज में बैठा के बताया हमारा वोट है, हमारा वोट है। एक मिनट सुनो, इधर बहुत सख्त से बात किया मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना करके, उन्होंने बोले ओके करके सॉल्व करेंगे क्या ये करके बोले। तुम्हारे पर उम्मीद है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आज एक दिन छोड़ो नेक्स्ट ईद तक हमारे साथ आन रहे। नहीं नेक्स्ट ईद नहीं, एक हफ्ते के अंदर तुम्हारे पास आते हैं, एक हफ्ते के अंदर आ जाए। ओके रोज हमारे घरों में मातम होता रहता है, बच्चों का इंतकाल हो रहा है, माँ बाप का इंतकाल हो रहा है, हमारे भाई ही हो अंदर, हमारा कौन है पहचाने हाल, हमें मोमिन क्या हमारे वास्ते काम नहीं है, हमें हर जगह जाको होगा कोशिश हमारी हर एक भी कर को होगा मगर कोई भी हमारा पुरसाने हाल नहीं है। एक तरफ मिलाद की खुशियां मनाए जाने का वावेला मचाया जा रहा है, जोश और खरोश के जज्बे का इजहार हो रहा है और ये मासूमीन भी हैं जिन्हें चार चार साल से कैद और बंद की सहूबतों में बंद रखा गया है, इनके घरों के चूल्हे जल रहे हैं या नहीं कोई पूछने वाला नहीं है। देखना यह है कि इस तरह परचम कुशाई के दौरान जहां लंबे लंबे दावे करने वाले बड़े बड़े लीडर का वावेला मचाने वाले ऐसे मासूमीन के सिलसिले में क्या इकदाम अपनाते हैं, ये भी मुस्तकबिल की रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।